बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके सारे पार्ट्स हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वो पूछ रहा है वो आपसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पूछ रहा है, लेकिन बाय डिविजन मेथड पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? बाय डिविजन मेथड पूछ रहा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है 144 अपॉन 225। ओके, सबसे पहले लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखिए? स्क्वायर रूट। ओके, ये ने सर ले लिया। अब देखिए इसमें न्यूमिनेटर भी है क्योंकि फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर भी है। दोनों का अलग अलग आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 144 को देखते हैं। सर ये 44 का तो पेयर बन गया, 1 बच गया, ऐसी है ना, 1 बच गया। अब 1 का क्या करें सर? अब यहां पे हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे डिवाइड करते हुए, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर या 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो, तो डेफिनेटली यह नंबर 1 ही होगा। 1 बन जा 1, 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। 44 पूरा पेयर है, इसको पूरे पेयर को नीचे उतारेंगे। 1 का डबल क्या होता है? 2। अब सर यहां पे हमने एक ऐसा नंबर लिखना है जो यहां लिखेंगे डेफिनेटली वही नंबर हम यहां लिखेंगे। ये नंबर जो बन जाएगा इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर या 44 आए या 44 से छोटा है। तो यहां पे अगर हम 2 लिखें, यहां भी 2 लिखेंगे, 22 2 = 44, रिमाइंडर 0। तो आपके पास 144 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 12 आ गया। ओके, और फिर 225 आ, 225 सर 25 पेयर बन गया, 2 बच गया। ओके, यहां पे 2 आएगा लेकिन 2 2 4 हो जाएगा, वो तो 2 से बड़ा हो गया, तो हमें यहां पे भी क्या चाहिए? 1, क्योंकि यहां लिखेंगे 1 तो यहां भी 1, 1 बन जा 1, 2 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर क्या बचता? 1, 25 नीचे आ गया पूरा पेयर, 1 का डबल 2। अब यहां पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पे जो यहां लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125 आया। अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं, यहां 5 लिखा है तो यहां भी 5 लिखना पड़ेगा, 25 5 = 125, रिमाइंडर 0। आपके पास आंसर क्या आ गया? 15। इस टेकिंग की जगह अगर आप एक और वर्ड यूज कर लें, फाइंडिंग, जैसे हमने लास्ट में किया था क्वेश्चन ही करते हुए, फाइंडिंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट पूरा लिखते बाय डिवीजन मेथड। मैं डिवीजन मेथड की जगह डीएम लिख रहा हूं, आप पूरी तरह तो आपने आंसर निकाल लिया, आपके पास फाइनली क्या आंसर आया? देयरफॉर एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा 144 अपॉन 225 = 12 अपॉन 15। ठीक हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग विच आई जस्ट वांट टू ऐड हियर वो ये कि जब भी आप 144 अपॉन 225 इस तरह आपने ये लिखा है, ठीक है, और आंसर में ये लिख दिया है, तो इस तरह की जो टर्म्स टीचर ऐड कर रहा होता है वो शॉर्ट फॉर्म लिखता, ठीक है। आपने जब भी इसको सॉल्यूशन में लिखना है प्रॉपरली तो हमेशा उसको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, आइए अब हम पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? इट्स 169 अपॉन 256।
6. फाइंडिंग वही क्राइटेरिया सारा, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, इसका तो मैंने पूरा लिख दिया डिवीजन मेथड. आइए इनको अलग अलग कर देते हैं यहां पे. और सबसे पहले तो 169 को देखते हैं. 69 एक पेयर हो गया, 1 बच गया, 1 में से 1 क्या रिमाइंडर 0, 69 पूरा पेयर नीचे उतार लेगा. अब इस 1 का डबल क्या होगा, 2 को यहां लिख देंगे, यहां 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखना पड़ेगा. 23 3 69 रिमाइंडर 0 हो गया. तो आपके पास 169 का आंसर क्या आ गया, 13 आ गया. अब इसके बाद अगला क्या है, 256. जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली चीजें हम साइड पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यहां पे आंसर लिख रहे हैं. ये बराबर में आप भी प्रॉपर सॉल्यूशन के अंदर ही साथ में शो करोगे. ओके अच्छा, अब 256 यहां आप ऐसा नंबर जो इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, आंसर या 2 आए या 2 से छोटा है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 बचा 1, 2 में से 1 क्या रिमाइंडर 1, 56 पूरा नीचे कैरी कर लिया, 1 का डबल 2. अब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर हो, यहां पे ऐसा कौन सा नंबर हो जो नंबर यहां लिखेंगे डिट्टो वाली नंबर यहां लिखेंगे, यहां अगर 6 लिखें तो क्या ये बनता है 6 6 36 3. जी बिल्कुल बनता है, 6 को 26 से मल्टीप्लाई करें पूरा 156 आ जाएगा. तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16. देयरफॉर ये 3 डॉट्स किसके होते, देयरफॉर के स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 256 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 16. ठीक हो गया, ये पार्ट नंबर 2 हो चुका हमारे पास. आइए अब हम पार्ट नंबर 3 की जांच करते हैं. ओके, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 784 अपॉन 841. 784 अपॉन 841 फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. ओके सबसे पहले है 784, ये एक पेयर हो गया, ये नंबर है 7. यहां अगर मैं 2 लिखूं, यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 4, 7 में से 4 के रिमाइंडर 384 पूरा पेयर नीचे आ गया. 384 बन गया 2 का डबल 4. अब मैं यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, जो नंबर यहां लिखूंगा डेफिनेटली पूरे का पूरा वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा. अगर मैं यहां 8 लिखूं तो यहां भी 8 लिखना पड़ेगा. 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं, 48 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं क्या 384 आता, आइए करके देखते हैं. 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 4 6 कैरी 8 4 32 प्लस 6 38, तो 384 आ गया, यही नंबर है हमारा. ओके हो गया, रिमाइंडर 0. 784 अपॉन 841, इसका स्क्वायर रूट क्या निकाल लिया हमने, 28. 841 का निकालते हैं, आइए 841 का टू टू सा फोर, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला एक बच गया, 8 में से 4 गए, 4 रिमाइंडर 41 नीचे उतार लिया, 2 का डबल 4. ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर हमें चाहिए कि जो हम जब यहां लिखें तो वही यहां लिखें, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता, सोचिए. अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, बिल्कुल 49 को 9 से करेंगे तो 441 आ जाएगा रिमाइंडर
जीरो हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 29। फिर भी मैं आपको करके दिखाया तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 81 18 9 8 9 4 36 + 8 44, यही हमारा आंसर था। ओके अब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 29, therefore 784 अपॉन 841 इज इक्वल टू 28 अपॉन 29। ओके हो गया, ये हमारे थ्री पार्ट्स हो चुके। आइए अब हम फोर्थ पार्ट की जानी चाहिए, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर फोर। ओके पार्ट नंबर फोर 1024 और 1225 फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डीएम डिवीजन मेथड 1024 अपॉन 1225 इज इक्वल टू, आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1024 सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दो पेयर बन गए हमारे पास। यहां पे 3 आएगा, 3 यहां पे भी 3 आएगा, 3 3 का 9, 10 में से 9 गए 1 बच गया, ऊपर वाला 24 नीचे उतार लिया, 3 का डबल क्या होगा 9 होगा, ठीक हो गया। अब यहां पे भी वही नंबर, जो नंबर यहां पे 3 का डबल क्या होगा 6 होगा, तो यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, 62 2 124, रिमाइंडर 0 हो गया। आपके पास पहला नंबर आ गया क्या 32, नेक्स्ट में 1225, एक पेयर ये एक पेयर ये, थ्री थ्री जा 9, थ्री रिमाइंडर 25 नीचे कैरी कर लीजा, 3 का डबल 6। अब अगर यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, पूरा 325 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया 35 आ गया। ओके हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ 1241225 = 32 upon 35। अच्छा जी, ये आपके पास फोर पार्ट हो चुके। ओके अब इसका लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, विच इज 5 whole 41 upon 64। अब देखिए अगर हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 64 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 320 बनता, प्लस 41 आपके पास आ जाएगा 361 upon 64। अब क्या करना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके हो गए, इज इक्वल टू, आइए पहले 364 का निकालते हैं, 1 1 1, 2 बच गया 61, 1 का डबल 2, ठीक हो गया। अब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लाएं, अगर यहां पे आप 9 लिखें तो 29 9 2 61 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया 29। अब 64 रह गया, यहां पे ऐसा कौन सा नंबर यहां लिखे होंगे, लिखे 8, सिंपली 8 होगा, 8 8 64, रिमाइंडर 0, तो यहां पे आंसर क्या आ गया 8।
therefore square root of 361 upon 64 is equals to 29 upon 8 is your answer. ओके हो गया. अच्छा एक चीज और इसमें अगर हम देखें तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. आई करके लिखते हैं उसी में लिखते हैं ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसका आंसर लिखना है. कैसे 29 को अंदर रखिए, 29 को अंदर रखिए और 8 पे डिवाइड कीजिए. 8 3 24 क्या बचा 5 रिमाइंडर. तो इसका इसको किस अगर आप लिखें होल वाली फॉर्म में तो आपके पास आएगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 361 अपॉन 64 इज इक्वल्स टू 3 होल 5 अपॉन 8. ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा. ठीक हो गया. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हो चुके हैं. एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और ये चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो है वो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस करें, उसको क्लिक कर दें तो आपके पास ये बेनिफिट होगा कि अगले जो भी लेक्चर्स होंगे उनके वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है विच इज अबाउट 2.5 एक्सरसाइज. ठीक ओके अल्लाह हाफिज़.